और इस बीच एक और बड़ी खबर है धार से, जहां पर भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हिंदू फॉर जस्टिस की ओर से ये याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने आवेदन दिया 1 अप्रैल 2024 के आदेश को लेकर आवेदन दिया। एएसआई की रिपोर्ट क्रियान्वयन पर रोक हटाने की मांग की है। एएसआई की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से रोक हटाने की अपील की है याचिकाकर्ता ने। तो भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में यह कहा था कि एएसआई द्वारा पुरातत्व विभाग द्वारा जो यहाँ भोजशाला में सर्वेक्षण किया जा रहा है वो जारी रहेगा, तो उसकी रिपोर्ट भी अब पेश हो चुकी है। लेकिन आदेश में स्पष्ट था कि उस रिपोर्ट का क्रियान्वयन जो है वो बिना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं होगा। मतलब एक तरीके से इंटरिम रोक लगा रखी है, अंतरिम रोक लगा रखी है। तो वह जब सर्वे पूरा हो चुका है, उसकी रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में 15 जुलाई को पेश हो चुकी है, तो हमने हमारे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एडवोकेट श्री विष्णु शंकर जी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया है और ये निवेदन किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपने द्वारा जो ये रोक लगाइए इसे हटा लें।